वाली हो रही है वेदांता के स्टॉक में। खबर आई थी कि दक्षिण भारत का अपना ये कॉपर प्लांट बेचने के लिए कंपनी ने बोलियां मंगवाई हैं, लेकिन ये प्लांट कितना क्रूशियल है और इसके बाद, इस खबर के बाद स्टॉक में इतनी नेगेटिविटी क्यों है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा बताइए, अब क्या कुछ डिटेल्स हैं, कितना बड़ा प्लांट है ये और कंपनी अब उसके बोली के लिए, इसको बेचने के लिए क्या कुछ योजना बना रही है? जी हाँ, वेदांता में आज गिरावट देखने को मिल रही है और इसका कारण यह है कि वेदांता ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बिड्स इनवाइट किए हैं अपने कॉपर स्मेल्टर प्लांट में जो तमिलनाडु में है। बिड्स एक्सिस कैपिटल के कंजंक्शन में मंगाए गए हैं और लास्ट डे इस बिड में सबमिट करने के लिए 4th of July है। इस प्लांट के बारे में की बात करें तो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में, इकोनॉमिक टाइम्स में एडवर्टीजमेंट दी है, उनका मानना है कि इसकी कैपेसिटी अराउंड 4 लाख मिलियन टन के आसपास है। उन्होंने इस पर्टिकुलर ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा भी कहा है कि उनके प्लांट्स, ऑक्सीजन जनरेशन फैसिलिटी और रेजिडेंशियल होम्स भी उनका बेचने का इरादा है। प्लांट की बात करें तो मई 2018 से ये प्लांट बंद है। प्रोटेस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण ये प्लांट मई 2018 से बंद है। कॉपर जनरेशन ये जो यूनिट है उसका एबिडा लॉस अराउंड $1.2 बिलियन के आसपास 2022 में, और ये क्योंकि ये प्लांट बंद है और एबिटा लॉस भी जनरेट करता है। पोर्टफोलियो में, वेदांता के पोर्टफोलियो की बात करें तो ये प्लांट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि क्योंकि ये प्लांट बंद है और बिकॉज एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है, कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, उसके कारण कितने टेकर्स मिलेंगे कंपनी को इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, वो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। और एक रीज़न वेदांता के गिरने का ये भी हो सकता है कि ओवरनाइट कमोडिटी प्राइसेस में हमने डिक्लाइन देखा। एल्यूमिनियम प्राइसेस की बात करें तो लास्ट 7 डेज में अराउंड 8% का डिक्लाइन देखने को मिला। जिंक प्राइसेस 6% से नीचे है, लेड 3%, कॉपर प्राइसेस 5% और ब्रेंट क्रूड में भी हमने 7.3% का डिक्लाइन देखा लास्ट 7 डेज में। इंटरेस्ट रेट हाइक्स और ग्लोबल इन्फ्लेशन और चाइनीज स्लोडाउन और ग्लोबल स्लोडाउन के कारण कमोडिटी प्राइसेस में ये डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ऑल इन ऑल वेदांता में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है स्मेल्टर प्लांट के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बिड मंगवाने और कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन के कारण। शुक्रिया आशीषा। तो ये पूरी जानकारी कि वेदांता के स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही हो और जो तूतीकोरिन प्लांट है आप उसको बेचने को लेकर योजनाएं क्या है, तो काफ़ी क्रूशियल प्लांट था कंपनी के लिए। हालांकि पर्यावरण इन नियमों के उल्लंघन के चलते क्लोजर का भी सामना करना पड़ा था और काफ़ी समय तक बंद रखना पड़ा था प्लांट ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और आप देखिए इसमें, इसकी जो सालाना क्षमता है वो 4 लाख टन की है, तो कहीं कहीं निवेशकों को ये चिंता सता रही है कि अगर ये प्लांट बंद होता है तो कंपनी का कारोबार घटेगा और इसके चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, यानी कि मुनाफे पर चोट पड़ेगी। इसके अलावा जो कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं मेटल प्राइसेस में करेक्शन को लेकर, उसके चलते भी शेयर पर आज दबाव है, तो दोहरा झटका है वेदांता के लिए। गौरव, वेदांता 15% देखिए ये शेयर टूट गया, शुरुआत हुई थी करीब 8% के आसपास की गिरावट पर, लेकिन लगातार ये बढ़ रही है, क्या सजेस्ट करेंगे आप वेदांता को लेकर? देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं, एक जो आप कह रहे हैं कि एक स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज होती है, दूसरा है जब आपका सेक्टर ही वीक हो और अंडर प्रेशर हो, इंटेंस प्रेशर हो, तो आपको काफी मल्टीपल टाइम्स उसमें प्रेशर देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे वही हमको चीज देखने मिल रही है कि ओवरऑल अगर आप मेटल स्पेस देखेंगे तो वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स में से आ रहा है, काफी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन को देखने मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ में काफी स्टॉक्स है वो गिर रहे हैं। वेदांता की अगर बात की जाए, मल्टीपल सपोर्ट इसने तोड़े हैं और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है नेक्स्ट वो आपको देखने मिलेगा तकरीबन 210 रुपए के आसपास में, तो वहां पे मैं एक बार के लिए फिर भी रिव्यू करूँ, किसी के पास अगर है तो उसका स्टॉप लॉस 210 का होगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये होगी कि यहाँ पे आप बाय मत कीजिए क्योंकि स्टॉक जो है 15% गिर चुका है, ऊपरी लेवल से अगर आप देखें 30% गिर चुका है, तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँ वो आप मत कीजिए, यहाँ पे वो समय फिलहाल आया नहीं है और काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में, काफी बड़े हैवी कैंडल्स के साथ में स्टॉक जो है गिर रहा है, तो यहाँ पे उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, वेदांता को लेकर गौरव का ये व्यू। तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है और दिन के निचले स्तरों के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है 224 रुपये के आसपास, लेकिन